नमस्कार इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत सुरुवातीला आसाम नागरिकांनी सीएए आणि एनआरसी विरुद्ध आपला विरोध दर्शवण्यासाठी पणजी आझाद मैदानावर निदर्शनं केली ही लढाई हिंदू मुसलमान या धार्मिक आधारावर नसून आसामच्या अस्तित्वाची लढाई असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी देण्यात आली जो घुसपीटी आहे सेंट्रल एन एनआरसी सी लाया उसको कार्यकारी किया अभी चार साल से उसका पीछे लगा हुआ था कितना करोड़ सोलह सौ करोड़ रुपया खर्चा भी किया खर्चा करने के बाद अभी एन में जो फाइंड आउट था उसको बाहर करना चाहिए था गवर्नमेंट ने लेकिन बाहर किया नहीं ऊपर से क्या कर रहा है नया एक बिल लेके आया ये कैब जो अभी का है सी ए तो ये का के मुताबिक जो भी है सबको सिटीजन से मिलने मिलने जा रहा है तो ये कैसा कानून हुआ एक टाइम जो इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट असम के लोगों के साथ ट्रीटी किया जो भी घुसपीठिया बाहर करेंगे अभी ऊपर से बोलते कि नहीं हम इसको सबको रखेंगे ये हमको अच्छा नहीं लगा असम के लोगों को लोगो अच्छा नहीं लगा इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी नाइनटीन के बाद इधर आया असम में आया तो उसको नहीं चाहिए चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो बदिस्ट हो जैन हो जो भी है रिलीजन्स का हम किसी के रिलीजन्स का विरोध नहीं करते हम विरोध कर रहे सिर्फ बांग्लादेश से जो भी बाहर से आया विदेश से आया उसको नहीं चाहिए उनको बाहर करो बस हमारा इतना ही मानना था और इतना ही हम पटेज कर रहे दें ये देखिए किसी को भी लाएंगे कोई बात नहीं है पहले हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए पहले वो समस्या को समाधान करना चाहिए अभी इतना सारे प्रॉब्लम है उधर रास्ता नहीं है ठीक से एक इलेक्ट्री नहीं है बराबर जॉब नहीं है ये कितना बाहर अभी गोवा में इतना लोग है इंडिया में कितना फैला हुआ है लोग ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है डायरेक्ट यहाँ से जाने के लिए एक फ्लाइट नहीं है ट्रेन नहीं है और ऊपर से इतना लोग लाएगा क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा किसका घर में रहेगा वो आपस में लड़ झगड़ के फिर वही होगा आज पीसफुल प्रोटेस्ट हो है ठीक है लेकिन अभी जब उन लोग आएंगे जब खाना खाने के लिए मिलेगा नहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा एक दूसरे का सामान चूरी करेगा उसका घर में कोई घुस जाएगा इधर जाएगा वाइलट करेगा राइट करेगा बाद में बोला हम इंडियन हो गया हमको आप लोग रखा हमको जॉब दो ये सब बाद में फिर बहुत बड़ा झगड़ा करने वाला है मोर नाम रोमोनी रेखा আমি আজি গোৱাত যিমান অসমবাসী ৰাইজ আছোঁ আমি একতা হৈ আমি এটা অসমবাসী ৰাইজক আমি আৰু আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমি তেখেতক বিশেষকৈ আমি এটা কথা ক'বলৈ আমি বিচাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে ইলেকশ্যনত ইমান ৰ'দত থিয় দি দি ৰাইজবাসীয়ে বিশ্বাসত তেখেতক ইলেকশ্যনত উঠাইছিলে তেখেতে অসমবাসী ৰাইজক আজি কি কৰিলে এইটো কৰিব নালাগিছিলে আজিও অসমবাসী ৰাইজে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজিও আপোনাক মনত ৰাখি থৈছে কেতিয়াও নাপাহৰে অসমবাসী ৰাইজে আপুনিও আজি অসমবাসী ৰাইজক যিখিনি কৰিছে সেইখিনি জীৱনটোত অসমবাসী ৰাইজে পাহৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ অসমত আমাক বাংলাদেশী এজনো নেলাগে এজনো নালাগে আৰু আমি নিবিচাৰোঁ আমাৰ অসমত যে বাংলাদেশী আৰু পাকিস্তানী মুছলিম আহি আমাৰ অসমত বাস আমি দিবলৈ নিবিচাৰোঁ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেক্সট টাইম এইটো কথা আপুনি ভাবিবলৈ সক্ষম নহ'ব কিয়কে আমি অসমত আমি কেতিয়াও বাংলাদেশী আৰু আফগানিস্তানৰ আমি যিমান বিদেশী আছে আমি অসমত আহিবলৈ নিদিওঁ ন কেব আচাম কেব ৰিজেক্ট জয় অসম জয় অসম জয় অসম আছাম ৰিজেক্ট কেব Step, step. No cap no cap no cap no cap no cap 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 no cap